श्री कृष्ण, राधे राधे, जय महादेव। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मेरा नाम अंजलि है, मेरे चैनल का नाम कच्ची गर्ल अंजलि। अब सबका वेलकम करती हूँ मेरे चैनल पर। तो बस सुबह का टाइम है और दिन है शुक्रवार। तो बस यहाँ पर चाय पत्ती पूरी हो चुकी थी तो वही मैं निकाल रही थी। यहाँ पर चीनी है वो भी मैं निकाल रही थी डिब्बे में से। तो बस यहाँ पर मेरा गर्म पानी है वो भी मैंने पी लिया है। तो बस 40 मिनट के बाद यहाँ पर मैं चाय है वो बना रही हूँ। तब तक यहाँ पर मेरी योगा एक्सरसाइज वो भी मैंने कर ली है। बस कुछ इसी तरीके से मॉर्निंग का रूटीन मेरा स्टार्ट होता है। सबसे पहले मैं मेरे लिए ही टाइम निकालती हूँ, उसके बाद ही सारा जो घर का काम होता है वो मैं करती हूँ। तो बस यहाँ पर 40 मिनट के बाद मैं चाय पीऊँगी, नाश्ता करूँगी, उसके बाद जो घर का काम है वो स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर रखी हुई है खारेक यानी कि खजूर, तो गुजराती में इसको खारेक बोलते हैं। तो बस यहाँ पर जो दूध है वो मैं पतीले में से निकाल दूंगी, क्योंकि फिर फ्रिज में बहुत ही बड़ा बड़ा पतीला फिर देखने में बहुत ही अच्छा नहीं लगता है। तो बस मैंने यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दी ताकि फ्रिज में बहुत ही कम से कम जगह ले। तो मैं इसी तरीके से करती हूँ, बड़ा बड़ा पतीला नहीं रखती हूँ, ऐसे ही मैं निकाल देती हूँ दूध को। तो कपड़े का एक लोड मशीन में हो चुका है। मैं डेली के डेली जो गर्म पानी पीती हूँ उससे पहले ही यहाँ पर मैं कपड़े जो डाल देती हूँ धुलने के लिए। तो उसके बाद मैं जो मेरा रूटीन करती हूँ योगा एक्सरसाइज, तो तब तक कपड़े धुल जाते हैं। तो फिर उसके बाद सीधा मुझे कपड़ा सुखाना ही रहता है। तो बस मैं डेली के डेली इसी तरीके से सबसे पहले कपड़े है वो मैं डाल ही देती हूँ मशीन के अंदर। तो आजकल लगातार यहाँ पर बारिश ही हो रही है, तो आप देख सकते हैं नीचे पूरा मिट्टी मिट्टी वाला हो चुका है यहाँ पर। तो उसी को मैं क्लीन कर रही हूँ। तो यह है जेली कपड़े धोने के लिए, लेकिन इससे जो फ्लोर है फर्श बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है। तो यहाँ पर जो मशीन है मेरा वॉशिंग मशीन वो भी पूरा धूल वाला हो चुका है, क्योंकि सीढ़ियाँ चढ़ते ऊपर की तरफ मेरे जो फ्लावर है पौधे रखे हुए तो उसमें से एकदम फुल बारिश होती है, तो मिट्टी नीचे की तरफ गिरती है। तो यहाँ पर पूरा मिट्टी मिट्टी वाला हो चुका है। तो इसको मैं वॉशिंग मशीन को पूरा अच्छे से आज डीप क्लीन करने वाली हूँ। तो मशीन को अच्छे से मैं लिक्विड से धो दूंगी ताकि जो भी मिट्टी ऊपर लगी हो अच्छे से क्लीन हो जाए। तो यहाँ पर पूरा अच्छे से क्लीन हो चुका है, आप देख सकते हैं कितना गंदा हो चुका था, तो उसको अच्छे से क्लीन कर दिया है। यहाँ पर नीचे फर्श पर भी पूरी धूल मिट्टी लगी हुई है, तो इसको भी मैं अच्छे से रगड़ कर साफ़ कर दूंगी। तो इसी हैबिट से मैं घर का काम करती रहती हूँ ताकि मेरा घर हमेशा क्लीन एंड साफ रहे। तो बस यहाँ पर मैं पूरा अच्छे से रगड़ कर उसको क्लीन कर दूंगी ताकि जो भी मिट्टी नीचे की तरफ जम गई है वो निकल जाए। तो बस यहाँ पर आज मुझे कपड़े हैं वो भी हाथ से धोने, वाइट कपड़े मैंने रख दिए थे जो मैं आज धोऊंगी। तो मशीन का जो लोड मैंने पहले ही एक लगा लिया था। तो बस कुछ इसी तरीके से जो मॉर्निंग का रूटीन चलता रहता है, इसी तरीके से मल्टीटास्किंग कर काम करना पड़ता है, वरना फिर समय का कांटा ऐसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता है। तो बस थोड़ी जो आलस कर बैठ गए तो फिर बिल्कुल भी घर का काम रह जाता है। तो बस यहाँ पर पूरा मैंने अच्छे से फर्श से क्लीन कर दिया, आप देख सकते कितनी मिट्टी जमी हुई थी सारे निकल चुकी है। तो बस यहाँ पर क्लीनिंग करने के बाद जो कपड़े हैं वो मुझे वॉश करने हैं। तो ये सारे जो नए कपड़े हैं कुछ में कलर जा रहे हैं, कुछ वाइट है, तो इसको मैंने मशीन में नहीं डाला था। बाकी जो रेगुलर कपड़े वो मैंने मशीन के अंदर ही डाल दिए थे धुलने के लिए। तो बस सारे कपड़े जो नए नए उसको मैं हाथ से ही वॉश करती हूँ। तो ये मेरा पेटीकोट है, आप देख सकते हैं हल्का हल्का येलो कलर जा रहा है इसके अंदर से, इसीलिए मैं सारे कपड़े जो मशीन के अंदर नहीं डालती हूँ। तो आज बहुत ही सारे कपड़े हैं, वैसे तो मैं कपड़े हाथ से नहीं धोती हूँ मशीन के अंदर ही डालती हूँ, लेकिन जो ऐसे कपड़े होते हैं जिसमें से कलर जा रहा होता है या फिर वाइट होता है नए कपड़े होते हैं तो उसको मैं हाथ से ही वॉश करती हूँ, मैं मशीन के अंदर नहीं डालती हूँ, फिर ख़राब हो जाते हैं। तो बस आज सारे कपड़े वो मैंने एक साथ ही निकाल दिया ताकि मैं पूरा अच्छे से इसको धोकर सुखा दूँ ताकि अच्छे से मैं रख सकूँ, वरना ये सारे कपड़े इसी तरीके से पड़े थे, क्योंकि बारिश आजकल बहुत ही हो रही है तो फिर घर के अंदर सुखाने के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि मशीन के धुले हुए कपड़े हैं वो फटाफट से सूख जाते हैं, लेकिन हाथ से धुले हुए थोड़ा सा ज़्यादा पानी होता जल्दी से सूखते नहीं है। तो यहाँ पर जो कपड़े हैं इसमें से कलर जा रहे हैं,
तो यहाँ पर थोड़े कपड़े हटाकर इस तरीके से मैंने यहाँ पर लगा दिया है, और सीढ़ी पर ये पेटीकोट लगा दिया है, क्योंकि कपड़े बहुत ही सारे हो चुके थे तो फिर जगह ही नहीं थी। तो यहाँ पर जो वाइट कपड़े वो मैं यहाँ पर डाल रही हूँ, थोड़ी थोड़ी मैंने जो कपड़े थे वो उठा लिए वहाँ से, मैं थोड़ा सा अंदर डाल दिया है चेयर के ऊपर। तो बस कुछ इस तरीके से मैनेज कर रही हूँ। और यहाँ पर जो आंगन है उसकी भी मैं लगे हाथ सफाई कर दूंगी, क्लीनिंग कर दूंगी। तो आज सारे कपड़े को मैंने हाथ से वॉश कर दिया है, तो बाहर ही थी तो पहले आंगन की सफाई कर देती हूँ, क्योंकि बारिश का कुछ भी ठिकाना नहीं है तो फिर रह जाता है। तो बस यहाँ पर पूरा जो आंगन है उसको मैं अच्छे से पानी से वॉश कर दूंगी। तो बस इसी तरीके से जो मॉर्निंग का काम हमारा सुबह का घर का काम चलता रहता है। तो बाहर की तरफ पूरा मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया है, यहाँ पर जो मेरा एंट्रेंस है वहाँ पर भी मैं अच्छे से पूरा क्लीन कर दूंगी, क्योंकि फिर वही पेड़ घर के अंदर आते हैं, बारिश की सीजन होती है तो इसी तरीके से धूल मिट्टी ज़्यादा आता है घर के अंदर। तो यहाँ पर एंट्रेंस में भी पूरा अच्छे से क्लीन कर दूंगी। तो ये सारे जो कपड़े हैं वो मेरे बेटे ने कर कर दिए है आयरन, इतना मुझे हेल्प हो चुकी। और बहुत ही आज कपड़े थे तो मैं बहुत ही थक गई थी, तो आकर थोड़ा मैं हवा में बैठ गई तो थोड़े कपड़े भी गीले हो चुके हैं, क्योंकि फिर बाहर की तरफ काम करते हैं पानी में तो हो ही जाता है। तो अभी किचन का काम भी बाकी है, तो ये रेनकोट है अच्छे से सूख चुका है, अभी उसकी ज़रूरत नहीं है फिलहाल, तो उसको रख देती हूँ, कहीं बाहर जाना होता है तो ही रेनकोट की ज़रूरत हो। तो अच्छे से सूख गया तो उसको भी मैं फोल्ड कर कर रख दूंगी, जब ज़रूरत होगी कहीं बाहर जाना होगा तो मैं निकाल लूंगी। तो बस इसको इस तरीके से अच्छे से पूरा मैं उसको फोल्ड कर दूंगी, ताकि जगह भी ना रोके और मैसी भी ना दिखे, वरना इधर उधर पड़ा रहता है तो फिर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो ये रेनकोट है, इसके साथ में बैग आई हुई है, इसके अंदर ही रख दे दूँगी। तो यहाँ पर मेरी जो पर्स पड़ी हुई उसको भी मैं चेक कर रही हूँ कि कुछ पैसे वैसे है कि नहीं है अंदर, क्योंकि सारी पर्स इसी तरीके से बाहर की तरफ पड़ी रही थी फिर मुझे आड़े आती है। तो अभी इस तरीके से हुआ है, 4-5 पर्स इस तरीके से बाहर पड़ी है, तो मैं चेक कर रही हूँ, जो नहीं चाहिए मुझे उसको अंदर की तरफ रख दूंगी। और ये कुछ बल्ब निकले हैं तो उसको भी मुझे चेक करना है कि चालू है या बंद है, तो बस वही मैं यहाँ पर देख रही थी। लेकिन अभी तो मैं घर का काम कर रही हूँ, उसके बाद मैं चेक कर लूँगी कि चालू है कि बंद है। तो बस कपड़े भी गीले हो चुके, आज बहुत ही सारे कपड़े थे, तो बस यहाँ पर भी जो चीज़ें नहीं चाहिए वो मैं हटा दूँगी। और यहाँ पर जो आयरन की थी मेरे बेटे ने, तो प्रेस पड़ी हुई तो ठंडी हो चुकी है, तो इसको भी मैं रख दूँगी उसके जगह पर। तो बस इसी तरीके से जब कुछ घर का काम चलता रहता है, तो यहाँ पर भी आप देख सकते एक पर्स और पड़ी हुई है, तो बस इसीलिए मैं रख रही थी, क्योंकि मैं जाती हूँ तो अलग अलग पर्स लेकर तो जाती हूँ, फिर आकर मैं भूल जाती हूँ तो ऐसे ही बाहर यहाँ पर रख देती हूँ तो फिर इकट्ठा हो जाती। और यहाँ पर यह पावर बैंक, आजकल लाइट का भी कुछ ठिकाना नहीं होता है तो बस उसको चार्ज कर कर ही रखती हूँ, तो बस वो चार्ज हो चुका है तो उसको मैंने रख दिया है। उसके बाद बारी आती है डस्टिंग की, तो सबसे पहले जो सोफ़ा है उसको मैं अच्छे से ठीक कर दूँगी। सोफ़ा के ऊपर जो कवर बिछाई हुई उसको मैं अच्छे से झाड़ देती हूँ, ताकि जो भी धूल मिट्टी हो वो निकल जाए। वैसे तो ज़्यादा नहीं होती लेकिन फिर भी थोड़ी थोड़ी तो आ ही जाती है। तो बस इसी तरीके से मैं डेली के डेली सफाई कर ही देती हूँ। तो सोफ़ा से जो मेरी अटैच टेबल है वहाँ पर भी जो चीज़ें पड़ी है कुछ, वो मैं उठा दूँगी ताकि वहाँ पर मैं अच्छे से क्लीनिंग कर सकूँ। तो यहाँ पर सोफ़ा अच्छे से सेट हो चुका है, तो मैं आपको दिखा रही हूँ, यहाँ पर दूर से पता नहीं चल रहा है लेकिन पास से दिखाती हूँ कितनी जो छोटी छोटी डस्ट होती है। तो इसीलिए घर की क्लीनिंग बहुत ही ज़रूरी है, डेली के डेली सफाई करते ही है लेकिन पता नहीं इतनी धूल कहाँ से आती है। तो बस यहाँ पर मैं पूरा अच्छे से क्लीन कर दूँगी, साफ़ कर दूँगी। तो ये सारे नेपकिन से किचन के या पर डस्टिंग के आप समझ लो, तो सारे मैंने इस तरीके से एक बास्केट लेकर रखी, उसके अंदर मैं सारे अरेंज कर कर रखती हूँ ताकि मुझे फटाफट से मिल जाए जब भी मुझे क्लीनिंग करनी हो। तो बस इसी तरीके से मैं रखती हूँ ताकि उसको लेना और आसान हो जाए, इस तरीके से आप उसको ले सकते। तो सारा काम हो चुका है, अब सिर्फ झाड़ू पोछा करना है। आज इतने सारे कपड़े थे सारे धो दिए, क्योंकि बारिश की वजह से इतने सारे कपड़े जो इकट्ठे हो रखे थे यहाँ पर, जो कपड़े आयरन कर कर पीछे के घर में हो रही है सीटियाँ, तो आवाज़ आ रही है, तो मेरे बेटे ने कपड़े आयरन कर दिए, बस उसको मुझे अलमारी में सेट करना है, वो कर देती हूँ।
तो कपड़े है वो मेरे बेटे ने आयरन कर दिए। तो इस तरीके से कोई हमें हेल्प कर देता है तो हमें बहुत ही काम इस तरीके से कम हो जाता है। तो इतने जोड़ी कपड़े थे तो मेरे बेटे ने किया, तब तक मेरे दूसरा काम था वो कर दिया, बाहर का काम जो कपड़े धोने का था, क्योंकि बहुत ही सारे कपड़े थे। तो तब तक मेरे बेटे ने आयरन किए तो मैंने बाहर का काम कर लिया। तो कुछ इस तरीके से वो मुझे हेल्प कर देता है जब उसको टाइम होता है। तो बस इसी तरीके से जो सुबह का घर का काम चलता रहता है, इसी हैबिट से मैं सारा घर का काम करती हूँ ताकि हमारा घर एकदम व्यवस्थित सुंदर दिखे। तो सारे घर की डस्टिंग हो चुकी है तो उसके बाद बारी आती है झाड़ू लगाने की। तो बस पूरे घर में झाड़ू लगाने में मुझे 5 या 7 मिनट हो ही जाता है। तो कुछ इसी तरीके से मैं घर का काम मैनेज कर कर रखती हूँ ताकि मेरा घर वेल सेट ऑर्गेनाइज दिखे। तो बस हो चुकी है शाम। तो यहाँ पर जो मुझे आज सैंडविच बनानी है, पहले से कुछ फिक्स नहीं था, मेरे बेटे ने अचानक ही बोला कि मामा मुझे सैंडविच खानी है। तो बस यहाँ पर वो पोटैटो लेकर मुझे देकर गया है, और जो जो चीज़ें लगने वाली है, ब्रेड, बटर, चीज़, वो सब लेने के लिए गया। यहाँ पर जो पोटैटो है वो मैं उबालने के लिए रख दूंगी। तो आप लोगों को लग रहा होगा कि इतने सारे पोटैटो, तो हम जब भी कोई चीज़ बनाते हैं तो मेरी देवरानी पास में ही रहती है तो उसके घर भी जाता है, तो इसीलिए मैं थोड़ा ज़्यादा ही बनाती हूँ। तो बस यहाँ पर मेरे हस्बैंड है वो भी हेल्प कर रहे हैं। तो यहाँ पर ककड़ी है वो इस तरीके से काट दी है, क्योंकि मेरे हस्बैंड को ककड़ी वाली सैंडविच बहुत ही पसंद है। तो इसको मैं ककड़ी वाली बना कर दूंगी, मेरे बेटे को चीज़ वाली बना कर दूंगी। कुछ इस तरीके से अलग अलग सबकी चॉइस है तो इसी तरीके से बनती है। तो यहाँ पर ओनियन है वो भी चॉप कर कर दे रहे हैं। तो बस इस तरीके से अचानक से ही प्रोग्राम बना, और घर पर ही थे तो मेरे हस्बैंड भी हेल्प कर रहे हैं। तो मैं तब तक किचन का जो दूसरा काम है वो कर देती हूँ। तो यहाँ पर यह चीज़ वाला सॉस और दूसरा है वो सालसा सॉस है। तो बस दोनों को मैंने फ्रिज में से निकाल दिया है। तो बस मैं किचन में यहाँ पर तैयारी कर रही हूँ, तब तक मेरे हस्बैंड है वो नीचे संभाल रहे हैं काम को। तो बस यहाँ पर जो सॉस थोड़ा ही था तो कुछ इस तरीके से मैंने बेलन से बेल दिया ताकि सारा सॉस जो है इकट्ठा हो जाए, इसको मुझे आसान हो जाए निकालने के लिए। तो यहाँ पर मैं उसको निकाल कर अलग अलग रख दूंगी। तो यहाँ पर चीज़ वाला सॉस है उसको भी मैं निकाल दूंगी, सारी तैयारी कर रही हूँ फिर मुझे आसान हो जाए बनाना। तो बस उसको भी मैंने निकाल दिया है और यहाँ पर रखा है, मुझे ज़रूरत पड़ेगी चीज़ वाले सॉस की तो फिर मैं यूज़ करूँगी। तो उसके बाद यहाँ पर जो हरी चटनी है वो मैं बना रही हूँ। तो बस यहाँ पर मिर्चियाँ ले ली, इसके बीज में नहीं डालती हूँ, निकाल देती हूँ। बाकी सबकी अपनी चॉइस होती है, कोई कोई डालता है कोई नहीं डालता है। और ये है कड़ी लीव्स, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही थी क्योंकि अचानक ही प्रोग्राम बना और मैं धनिया मंगवाना भूल गई। तो फिर इसका जुगाड़ लगा कर कुछ इस तरीके से मैं बनाऊंगी। तो बस यहाँ पर मैंने डाल दी है मिर्ची, थोड़ा सा लहसुन, मूंगफली के दाने, नमक, थोड़ा सा नींबू, थोड़ी सी तो सारी चीज़ें डालने के बाद उसको अच्छे से मिक्स कर दिया है। लास्ट में यहाँ पर जो कड़ी लीव्स है वो मैं डालने वाली हूँ। कभी कभी धनिया नहीं होता है तो मैं इसी तरीके से इसी ट्रिक से करती हूँ, तो चटनी बहुत ही टेस्टी होती है। अगर आप लोगों ने कभी भी ट्राई नहीं किया है तो ज़रूर करना। पहले मैं उसको पीस देती हूँ, फिर उसको मैं लास्ट में इसी तरीके से चलाती हूँ, इस तरीके से दर दरा दिखाई देता है। कड़ी लीव्स के पत्ते तो खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। अगर आप लोगों ने नहीं किया तो ज़रूर ज़रूर मेरे कहने पर एक बार करना, बहुत ही टेस्टी लगती है इस तरीके से चटनी। तो बस जो भी थोड़ी सी चटनी बची है उसको भी मैं निकाल दूंगी। तो ये वाला पेचूला बहुत ही काम आता है, ये सिलिकॉन का है, इस तरीके से है तो आसान हो जाता है निकालना। तो बस चटनी भी हमारी रेडी है तो इसको भी मैं साइड में रख रही हूँ। पोटैटो भी उबल चुके हैं, उसको मैंने यहाँ पर रख दिया है नीचे की तरफ ताकि जल्दी ठंडा हो जाए। और मेरे हस्बैंड है वो भी मुझे हेल्प कर रहे हैं, वो भी छील रहे और बैठकर मैं भी छीलूंगी। तो बस यहाँ पर दोनों हम बातें भी कर रहे थे और काम भी कर रहे थे, कुछ इस तरीके से जो हमारा इवनिंग का रूटीन है वो भी साथ साथ चल रहा था। तो सारे पोटैटो को हमने छील लिया है, इसको मैं इस तरीके से मैश कर दूंगी और फिर मैं इसका तड़का दूंगी। तो इसी तरीके से कुछ मैं सैंडविच बनाती हूँ। तो हर बार एक ही स्टाइल से मैं नहीं बनाती हूँ, कुछ अलग अलग तरीके से मैं बनाती हूँ सैंडविच। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक सैंडविच मशीन है वो भी मैंने लगा दिया इस तरीके से। तो मेरा बेटा भी आ चुका है ब्रेड लेकर, तो मैंने बहुत ही सारी ब्रेड मंगवाई। तो आधी सैंडविच मैं गैस पर बनाऊंगी और आधी जो मैं इस तरीके से मशीन के अंदर बनाऊंगी, इसीलिए मैंने यहाँ पर मशीन है वो भी लगा दिया है। और ये है चीज़, वो मेरे बेटे को दे देती हूँ, थोड़ी देर के लिए फ्रिज के अंदर रख देगा। तो बस मैं यहाँ पर सारी चीज़ें निकाल रही थी। यहाँ पर है बटर जो मैंने मंगवाया है, क्योंकि बटर के बिना बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है सैंडविच, तो मैं बटर में ही सेकती हूँ। यहाँ पर जो सैंडविच का मसाला है वो मंगवाया है,
तो ये मसाला मैं नहीं मंगवाती हूँ, मैं मसाला जो दूसरा मंगवाती हूँ, लेकिन नहीं था तो फिर मेरा बेटा वही लेकर आया है। तो मेरा बेटा है वो भी मुझे हेल्प कर रहा है, यहाँ पर चीज़ है वो ग्रेट कर रहा है, तो बस इसी तरीके से आज साथ मिलकर सब काम कर रहे हैं पूरी फैमिली। तो फिर अच्छा लगता है कभी कभी पूरी फैमिली मिलकर साथ काम करते हैं। तो बस आज मेरे हस्बैंड, मेरा बेटा, हम तीनों के तीनों जो लगे पड़े हैं काम में। तो बस यहाँ पर जो मैंने थोड़ा सा इसके अंदर तेल डाल दिया है, थोड़ा सा यहाँ पर मसाला है सैंडविच का वो भी डाल दूंगी, अच्छे से उसको मिक्स करूंगी, और ऊपर से थोड़ा सा मैं हल्दी का पाउडर और स्वाद के अनुसार नमक डालकर उसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो बस एक स्लाइस में मैं ग्रीन चटनी लगा रही हूँ, एक के अंदर जो चीज़ वाला सॉस है वो, सालसा सॉस, और जो स्टफिंग बनाया है वो लगाऊंगी, ऊपर से थोड़ी सी जो ऑनियन और फिर चीज़। तो यहाँ पर पहली जो दो मैंने बनाई थी उसके अंदर मैं चीज़ डालना भूल गई, फिर बाद में मुझे लगा कि मैं भूल गई हूँ, तो फिर मैंने फिर से पीछे से मैंने डाल दिया था उसके ऊपर चीज़। तो पहले मैं दो तीन इस तरीके से बना देती, उसके बाद मैं सेकना स्टार्ट करूंगी। आज मुझे ज़्यादा बनानी थी इसीलिए मैं दो में बना रही हूँ, वरना मुझे मशीन की सैंडविच बहुत ही कम पसंद है। मैं ज़्यादातर गैस में ही बनाती हूँ, यहाँ पर गैस स्टोव में पैन रख कर तो वो बहुत ही क्रंची लगती है मुझे, मुझे मशीन वाली बहुत ही कम पसंद है। तो जो मैं सैंडविच में यहाँ पर चीज़ लगाना भूल गई थी वही मैं लगा रही हूँ यहाँ पर। तो बस यहाँ पर पैन के अंदर मैं थोड़ा सा लगा दूंगी बटर, तो बटर लगाने से उसका स्वाद बहुत ही टेस्ट अच्छा आता है, क्रंची बनती है। तो मुझे ये पेन वाली ही ज़्यादा पसंद है, आप लोग ज़रूर ट्राई करना इस तरीके से, ये मशीन वाली मुझे बहुत ही कम पसंद। ये मशीन वाली सैंडविच खाने में भी बिल्कुल क्रंची नहीं लगती और बहुत ही चिपटी हो जाती है, इस तरीके से बैठ जाती है। तो बस मशीन के अंदर भी मैं इसी तरीके से बटर लगा दूंगी ताकि चिपके नहीं। तो बस दो सैंडविच को मैंने इसके मशीन के अंदर लगा दिया है और इसके पेन के अंदर जो दो लगा दिए। तो ऐसे ही मल्टीटास्किंग कर मैं कर रही थी ताकि फटाफट से हो जाए। तो ऊपर से भी मैं थोड़ा थोड़ा बटर लगा ही दूंगी ताकि इस तरीके से सेकते बटर में तो बहुत ही क्रंची होती है। तो बस थोड़ा सा ऊपर से भी मैं बटर लगा पर। मैं वही आपको कह रही हूँ कि ये बेस्ट है, ये मशीन वाली आप देखिए और ये पेन वाली देखिए, आप खुद ही बताइए कि कौन सी अच्छी लग रही है। तो मुझे तो वही पेन वाली अच्छी लगती है। तो आपको मैं कट कर कर भी दिखाती हूँ कितनी सॉफ्ट, स्पंजी और क्रंची बनी है खाने में। तो इतनी सैंडविच बना ली है, मेरे देवरानी के घर भी देनी है तो वो भी मैंने दे दिए। तो ये मेरे हस्बैंड के लिए बना रही हूँ, तो उसको ककड़ी वाली ही पसंद है, तो इस तरीके से मैं बना रही थी। तो बस यहाँ पर रखी हुई है सारी सैंडविच। तो आज आप लोगों के साथ मैंने पूरा जो मेरा मॉर्निंग से लेके नाइट तक का रूटीन जो शेयर किया है, मॉर्निंग से नाइट रूटीन पूरा आप लोगों को बताया है, किस तरीके से मैं पूरा दिन निकाला है। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताना, कुछ भी पसंद आया हो, थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करना, बाजू में दी गई बेल आइकन को दबा देना ताकि जो मेरा अगला वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन आपको मिले। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में नई उम्मीद के साथ, तब तक के लिए बाय गाइस, बाय।